दोस्तों, शबे बरात बहुत ज्यादा करीब है। ये रात बहुत ही ज्यादा बरकतों वाली रात है। इसमें अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों पर रहमतें और बरकतों की बारिश होती है। बंदों के अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं और उनका रिस्क तय किया जाता है। अच्छे बुरे सभी तरह के बंदों के जो भी अमाल होते हैं उनको अल्लाह के सामने पेश किया जाता है। तमाम बंदों और मखलूक को जो भी रिस्क अल्लाह पाक की तरफ से दिया जाता है वो इसी मुबारक रात में लिखा जाता है। लोगों के अमाल, उनका रिस्क, ये सब चीजें लोहे महफूज में पहले से ही मौजूद है। अलबत्ता लोहे महफूज से नकल करवाकर अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले करता है। फिर तमाम इंसानों और जानवरों के हिस्से में पूरे साल तक जितना भी रिस्क आता है उसको उसके मुकद्दर में लिख देते हैं। इस रात में अल्लाह पाक अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो होता है। ये रात इतनी मुबारक रात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात में यानी शबे बारात की रात में अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो होता है और 8 तरह के लोगों के अलावा तमाम ही नेक बंदों की मगफिरत फरमा देते हैं। वो 8 लोग जिनकी इस रात में मगफिरत नहीं होती वो ये हैं: पहला मुशरिक, दूसरा नाहक कत्ल करने वाला, तीसरा दिल में किना और जलन रखने वाला, चौथा जिना कराने वाली औरत, पांचवा रिश्ते नाते तोड़ने वाला, छठा पाजामा या पैंट टखनों से नीचे रखने वाला मर्द, सातवा वालिदैन की नाफरमानी करने वाला और आठवां शराब पीने वाला। इन 8 लोगों की इस मुबारक रात में भी मगफिरत नहीं होती। इनके अलावा अल्लाह पाक इस बरकतों वाली रात में उन सब की मगफिरत फरमा देते हैं जो उनसे मगफिरत मांगता है। हाँ, अगर ये लोग भी इस रात से पहले पहले या इस रात में अपने गुनाहों की पक्की और सच्ची तौबा कर लें तो इनको भी अल्लाह पाक इस रात में मगफिरत फरमा देता है। गुनाहगार को जहन्नुम के अजाब से छुटकारा। इस मुबारक रात में अल्लाह ताला तमाम गुनाहगारों को जहन्नुम के अजाब से आजाद कर देते हैं। इसीलिए इस बरकतों वाली रात का नाम शबे बारात है, यानी आजादी वाली रात, जहन्नुम की आग से छुटकारा दिलाने वाली रात। इस रात की फजीलत इतनी ज्यादा हदीस में बयान की गई है कि अल्लाह ताला इस रात में कल्ब यानी कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाते हैं, यानी बेपनाह लोगों की मगफिरत अल्लाह पाक इस रात में फरमाते हैं। इस रात में अल्लाह की इबादत करना मुस्तहब है। अल्लाह के नबी ने इस रात में जागने का हुक्म दिया है और इबादत करने की ताकीद फरमाई है और अगले दिन रोजा रखने को बतलाया है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब आधे शाबान की यानी 15वीं रात हो तो उस रात में जागो और उसके दिन में यानी शबे बरात का जो अगला दिन है उस दिन में रोजा रखो। इस रात अल्लाह पाक 3 ऐलान करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला इस रात में यानी शबे बरात की रात सूरज डूबने के वक्त ही से आसमानी दुनिया की तरफ उतर आते हैं और 3 ऐलान फरमाते हैं। पहला ऐलान अल्लाह ताला करते हैं, क्या है कोई मगफिरत चाहने वाला, मैं उसको बख्श दूं। दूसरा ऐलान अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या है कोई रोजी मांगने वाला जिसे मैं रोजी अता करूं। और तीसरा ऐलान अल्लाह पाक ये फरमाते हैं, है कोई मुसीबत ज़दा यानी परेशान हाल जो मुझसे आफियत और सुकून की दुआ मांगे और मैं उसको आफियत और सुकून दूँ। ऐसा पूरी रात सुबह होने तक सहरी के वक्त से अल्लाह पाक की तरफ से यही ऐलान होता रहता है और रहमतें और बरकतें इस रात में अपने बंदों पर उतरती रहती हैं। इस अजीम रात को अपने हाथों से ना जाने दें। ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मौका है अल्लाह ताला को राजी करने का, उसको मनाने का। तो इस रात में खूब अल्लाह ताला की इबादत करें, खूब उससे दुआएं मांगें, खूब उसके सामने गिड़गिड़ाएं ताकि इस मुबारक रात की बरकतें हमें और आपको नसीब हो जाएं। अल्लाह पाक इस रात की हम सबको कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी लोगों से इल्तिजा है इस वीडियो को आगे भी सदकाए जारिया की नियत से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।